हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग ट्यूशन वाला भैया। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग कंप्यूटर के सीरीज़ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अप टू द एंड है। मतलब अगर आप लोग इस बात से अवगत नहीं हैं, अगर आप लोग को ये जानकारी नहीं है कि हम लोग कंप्यूटर कवर अप कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग कंप्लीट करने के कगार में है, तो मैं आप लोग को सूचित कर दूं कि सारे वीडियोस चैनल में अपलोडेड है। विजिट कीजिए चैनल को और चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है CGL कंप्यूटर, उसमें सारा वीडियोस जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा OSI लेयर के बारे में। ठीक है, OSI लेयर बोलने का मतलब क्या है, हमारा जो ट्रेडिशनल लेयर है, ये जो है OSI लेयर हमने पढ़ा था। इसमें कितना लेयर था OSI लेयर में, ना 7 लेयर था सर। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इसको हमने डिटेल में पढ़ चुका है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर को हम लोगों ने पढ़ चुका है। क्या बोले सर? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर को पढ़ चुका है। देन आज क्या पढ़ेंगे? आज इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, जो TCP/IP लेयर कहलाता है, ये प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेटवर्क है। मतलब क्या सर? थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में मैंने डिटेल में बताया, ये 7 लेयर में किस हिसाब से काम करता है, किस लेयर में किस टाइप से काम करता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि इससे ही कनेक्शन बनता है। थियोरेटिकल चीज़ें अगर पहले से समझ में आ जाए तो प्रैक्टिकल आसान हो जाता है फिर। ठीक है, या तो प्रैक्टिकल पहले आ जाए, तो पहले मैंने थियोरेटिकल चीज़ पढ़ा दिया है, अब जो है प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। देखिए, ये लेयर को क्या कहते हैं? TCP/IP का फुल फॉर्म तो बताना अब हमको नहीं लगता कि जरूरी पड़ेगा, फिर भी है ना। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आप लोगों को भी पता है। TCP/IP लेयर के लेयर अगर आपसे पूछे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि OSI लेयर क्या है और TCP/IP लेयर क्या है, तो आप लोग डिफरेंस तो क्लियर बोल सकते हैं कि OSI लेयर जो है थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है किसी भी नेटवर्क का, और TCP/IP क्या है, OSI था वो थियोरेटिकल, और TCP/IP क्या है, एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है। जनरली आसान समझना है, ये समझना जो है ये आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 लेयर होते हैं। डिफरेंस ये भी है, इसमें 7 लेयर था, इसमें 4 लेयर है। ये सवाल आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आपको मैं बता दूं JPSC में। ठीक है, इसीलिए इसको इग्नोर मत कीजिएगा, शुरू से ही कहते हुए चल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 हमारा लेयर होता है, जैसे कि इसमें डाटा लिंक लेयर था और फिजिकल लेयर था। पहला दूसरा फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर, ये दोनों लेयर मिलकर के एक लेयर में ही काम करता है। यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कहा जाता है, इस लेयर का नाम दिया गया है नेटवर्क इंटरफेस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इसको अगर आप कहें नेटवर्क इंटरफेस या लिंक लेयर तब भी चलेगा। क्या कह सकते हैं कि नेटवर्क इंटरफेस या लिंक लेयर, बहुत सारे बुक में लिंक लेयर भी लिखा हुआ रहता है। फिजिकल मीडियम इंडिपेंडेंट, मतलब क्या होता है फिजिकल मीडियम इंडिपेंडेंट, जो शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है मैं समझाऊंगा। अभी देखिए लिखा हुआ मीडिया, मतलब ये जो इंटरफेस है यहाँ पे मीडिया वर्क करती है, होस्ट नहीं काम करती है, सर्वर नहीं काम करती है, क्लाइंट नहीं काम करती, यहाँ पे कौन काम करता है ना, मीडिया काम करता है। ठीक है, मतलब क्या है, ये सारे चीजों को हम लोग यहां पे समझेंगे। देखिए शुरू करते हैं समझना, और आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए, एक एक चीज को नोट कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बनेगा, आप लोग को जानकारी पूरी मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम में जो भी सवाल आएंगे आपसे बनने लगेगा इसके बाद से, अगर TCP/IP लेयर का कोई भी सवाल आया तो। तो नेटवर्क इंटरफेस, यहाँ पे दो चीज़ें होती थी जनरली हम लोग का OSI लेयर में। OSI लेयर में फिजिकल लेयर था और डाटा लिंक लेयर था। ठीक है, OSI लेयर, फिजिकल लेयर में क्या होता था कि कनेक्शन बिल्ड करते थे थ्रू वायर हम लोग क्या करते थे, कनेक्शन बिल्ड करते थे। ठीक है, और डाटा लिंक में क्या करता था, वो एड्रेस को आईपी एड्रेस को डिटेक्ट करता था। जहाँ तक बात है नेटवर्क का, तो वहाँ मैक एड्रेस को वो डिटेक्ट करता था। मैं ये सारे चीज़ पढ़ा चुका हूँ। फिजिकल और डाटा लिंक को मिला करके नेटवर्क इंटरफेस किया, मतलब दोनों काम जो है यहाँ पे होने वाला है, और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया मीडिया काम करता है। इसका अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए कि मैं यहाँ बोलना ये चाह रहा हूँ कि फिजिकल और मीडिया,
सीधा सीधी, फिजिकल मीडियम इंडिपेंडेंट, मतलब कोई चीज अगर इंडिपेंडेंट कहा गया है तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे नेटवर्क के लिए मैंने बताया था कि तार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सर। आपको आज के टाइम में ऐसे भी नेटवर्क दिखते हैं जहाँ पे तार का इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए इसे ही कहते हैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेटवर्क, ये प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। तो फिजिकल मीडियम जो है इंडिपेंडेंट है, कोई ज़रूरी नहीं है। और मीडिया लेयर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे मीडिया काम कर रही है, मीडिया इट डज मीन कौन सा मीडियम से आप नेटवर्क बना रहे हैं, इस बात का डिस्कशन जो है इस लेयर में रहता है। अब अगर ऊपर आ जाते हैं, हमने क्या बना दिया, मीडिया बना लिया, हम लोगों ने चॉइस कर लिया कि भाई वायर से या वायरलेस हम कनेक्शन करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं नेटवर्क। अब जो है नेटवर्क क्या है, इसमें नेटवर्क बिल्ट करते हैं, चॉइस कर लिए हमने। अब चॉइस कर लेने के बाद अगर हम लोगों ने फिजिकल को चॉइस किया है तो नेटवर्क के टाइप्स हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुका है, लैन मैन वैन पैन सारा चीज क्लियर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग सारे वीडियोस को देखेंगे तभी जाके ये सब चीज़ें समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए LAN है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, ये सारे चीज़ पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे नेटवर्क में नेटवर्क बिल्ट कर रहे हैं, यही चीज़ कह रहा है, यहाँ पे नेटवर्क बिल्ट होगी, ठीक है, जैसे कि लैन मैन वैन यहाँ पे एप्लीकेबल है। उसके बाद अगर लेयर में जाए, थर्ड लेयर ऑफ TCP/IP तो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होती है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना चालू करती है। जो जनरली हम लोग समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, कि कोई भी क्लाइंट मतलब हम लोग यूजर है, कोई भी यूजर और हार्डवेयर, यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो समन्वय स्थापित करता है, ठीक है, कंप्यूटर और हमारे बीच में जो समन्वय स्थापित करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर आर्किटेक्चर लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एप्लीकेबल, मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना चालू करता है, इसके पहले नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर में ही ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना चालू करता है, इसीलिए इसे होस्ट लेयर भी कहा जाता है। लिखा हुआ है देखिए ब्रैकेट में होस्ट, यहां पे मैंने लिखा था मीडिया, यहां पे लिखा था नेटवर्क, यहां पे लिख दिया होस्ट, मतलब यहां पे होस्ट का काम चालू हो गया। उसके बाद जो लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, अगर मैं यहां पे देखूं कि सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ये सारे चीज एक्चुअली कोई एप्लीकेशन में ही होता है ना, क्या बोले, सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, ये किस में होता है, एप्लीकेशन में ही होता है। और जनरली जो है हम लोग यहीं पे काम करते हैं, हम लोग जो है यही तीन लेयर पे ही काम करते हैं, इसके पहले जो काम है हमारा काम नहीं है सर, हमारा काम यहाँ पे तीन में है। तो ये कोई एप्लीकेशन में ही काम होती है, इसीलिए इसका नाम एप्लीकेशन लेयर पूरा पूरी TCP/IP में दे दिया गया है। इसीलिए इस लेयर को क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहा जाता है या प्रोसेस लेयर भी कहा जाता है, यहीं पर प्रोसेसिंग होती है और यहीं पर जनरली इस तीन लेयर में, इसका OSI का इस तीन लेयर में, और अगर TCP/IP का बात करें तो इस एक लेयर में काम होती है, इसीलिए क्लाइंट सर्वर मॉडल इसे कहा जाता है या प्रोसेस लेयर भी इसे कहा जाता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन का आप लोगों को जरूरत नहीं है, जितना आप लोगों को जरूरत था मैंने यहां पे बता दिया। अभी याद रखने क्या क्या बात है पॉइंट आउट कर लीजिएगा, कि सर TCP/IP में चार लेयर होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन, और OSI लेयर में सात लेयर होते थे, ठीक है, काम मैंने यहां पे समझा दिया कि लिंक लेयर भी इसे कहा जा सकता है और मीडिया लेयर भी कहा जाता है। नेटवर्क में नेटवर्क बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना चालू कर देता है, और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर जो होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने डिस्कस कर दिया, क्योंकि यहीं पे जो है हम लोग काम करते हैं, नीचे जो है इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, उसके पहले ही ये काम सब किया हुआ रहता है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक टॉपिक के बारे में, ट्रांसमिशन मीडियम, उसके बारे में हम लोग कवर अप कर लेंगे, उसके बाद करेंगे सेशन को कंप्लीट, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम को समझेंगे, क्या कह रहा है देखिए, कि डाटा एक्सचेंज के बारे में जब भी हम लोग कोई बात में डिस्कस करते हैं, ठीक है, डाटा एक्सचेंज में नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो डाटा एक्सचेंज करने के लिए ही करते हैं, तो डाटा एक्सचेंज का जब भी बात करते हैं, या अगर आप इसे कहें ट्रांसमिशन मीडिया, तो वो तीन टाइप से हो सकते हैं, इसको समझने की बात है।
मैंने इसका सवाल आप लोग को पहले भी कराया है और मैंने वादा किया था कि आप लोग को टॉपिक भी कंप्लीट कराएंगे, तो आज वो दिन है। इसमें जो तीन टाइप का डाटा ट्रांसमिशन होता है या ट्रांसमिशन मीडिया होता है उसे क्या कहते हैं, पहला है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। याद रखिएगा, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। इसका अर्थ क्या है, देखिए सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है, अगर एक स्थान से डाटा ट्रांसफर होती है, अगर साधारण भाषा में समझे कि अगर एक तरफ से डाटा एक्सचेंज हो रहा है, अगर वन साइड अलाउड है डाटा ट्रांसफर करने के लिए, उधर से फीडबैक लेने का जरूरत नहीं है, इफ़ यू आर सेंडिंग द मैसेज ओनली यू आर नॉट रिसीविंग बैक, तो इसका मतलब समझिएगा यू आर फॉलोइंग सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। ओके, तो इधर क्या है, एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये एक नंबर कंप्यूटर दूसरे नंबर कंप्यूटर को सेंड किया डाटा, लेकिन दूसरा नंबर कंप्यूटर एक नंबर कंप्यूटर को डाटा सेंड नहीं कर सकता है, तब इस टाइप का प्रोसेस को, ट्रांसमिशन प्रोसेस को सिंप्लेक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं कि टीवी आप लोग देखते हैं बस देखते हैं, आप लोग उधर से कुछ फीडबैक नहीं देते हैं टीवी में, ठीक है, जैसे रेडियो में गाना सुनते हैं, बट सुनते हैं हम लोग इधर से कुछ फीडबैक नहीं देते हैं, तो वो जो ट्रांसमिशन मीडिया है, वो जो ट्रांसमिशन का तरीका है, डाटा एक्सचेंज कर रहा है, वो डाटा एक्सचेंज एक तरफा है, बोलता है ना एक तरफा है हमारा प्यार, तो ये है एक तरफा बात, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मीडिया होता है, मतलब आज के समय में सिंप्लेक्स मीडिया का यूज़ जो है इस टाइप के चीज़ों में ज़्यादा यूज होते हैं। किस टाइप के चीज़ों में, मैं आपको कह दूं, दुनिया में जो है तीन टाइप के लोग हैं, अभी फिलहाल स्टूडेंट के टाइम का बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट का टाइम का बात कर रहा हूँ, ज़्यादा एज के मतलब स्टूडेंट ख़त्म हो गया और जो स्टूडेंट शुरू ही नहीं हुआ, स्टूडेंट शुरू नहीं हुआ मतलब समझ रहे हैं, क्लास टेन तक स्टूडेंट शुरू ही नहीं होता अभी, वो बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब तीन टाइप का मैं आदमी हैं, 80% लोग, 10% लोग और 10% लोग, ये 80 10 और 10 क्या है, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि ये जो 80% लोग हैं ना, इसको मतलब ही नहीं है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, 80% लोग इसको मतलब ही नहीं है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, मतलब पढ़ता तो है लेकिन एक छोरी जरूर पटा लेता है, तो ये जो है इसके पास लड़की है, क्या है 80% के पास आज के टाइम में जो है लड़की है, मतलब क्लास 10 में भी है ना तो लड़की है, मतलब उन लोग का भी ब्रेकअप होता है भैया, क्लास 10 तक पढ़ता है लेकिन उन लोग का भी आज ब्रेकअप होता है, तो 80% लोग है, तो आप समझिए कि 80% में है क्या, 10% जो है ना मतलब होता है कि सिर्फ पढ़ाई करना है, क्या है सिर्फ पढ़ाई करना है, लड़की वड़की कोई मतलब नहीं है, जिंदगी क्या है किताब कॉपी है, तो वो क्या हो गया 10% लोग हो गया कंप्लीट, 90% है ना, और 10% बचा, 10% आप लोग हैं, 10% आप लोग हैं मतलब क्या है, ना लड़की है ना पढ़ाई है, वो है 10% लोग, तो वो आप लोग हैं, मतलब बेचारा है ना, बेकार का टाइम पास हो रहा है, यही चीज़ हो रहा है, बेकार का टाइम पास करें ना, लड़की है ना मतलब पढ़ाई करना है ना कुछ है, तो बेकार है ना हुए हैं, या तो लड़की में चले जाइए या तो पढ़ाई कर लीजिए, दोनों में एडजस्ट हो जाएगा, है कि नहीं, तो ये आप लोग को भी डिपेंड करता है कौन सा परसेंटेज में आप लोग को रहना है, ठीक। सारे मजाक की बातें हैं, दिल पे मत लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हाफ डुप्लेक्स का बात कर रहे हैं कि दोनों जगह से डाटा का आदान प्रदान होती है, जिंदगी अगर झंड नहीं करनी है तो 80% में, या तो नेक्स्ट जो 10% था उस 10% को बढ़ाइए सर, है ना, तो आज का डाटा मैं एकदम गवर्नमेंट का डाटा उठा के बता रहा हूँ, कौन सा गवर्नमेंट का, झारखंड का, ठीक है, दोनों जगह से डाटा का आदान प्रदान होता है, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में दोनों जगह से आदान प्रदान होता है, लेकिन एक बाउंड्री है इसमें क्या ना, लेकिन एक समय में एक ही तरफ से होता है, एक समय में एक ही तरफ से होता है, जैसे कि वॉकी टॉकी आप लोग जानते हैं, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं, जैसे कि आर्मी लोग यूज़ करते हैं सेटेलाइट फ़ोन का, यूज़ करते हैं ना, उधर से बोलते हैं चार्ली 40 प्रेजेंट है ना, ओवर एंड आउट, उसके बाद उधर से फिर आता है, फिर इधर से जाता है, मतलब एक टाइम पे एक ही तरफ से जो है आवाज़ जाएगा, अगर दोनों टाइप से एक साथ आएगा ना डाटा तो कोलैप्स कर जाएगा और आवाज़ जो है किसी को नहीं समझ में आएगा, इसीलिए लास्ट में बोलता है ना ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट मतलब हो गया हमारा जो बोलना था ना वो बोल दिए, अब तू बोल भैया, तो वही चीज़ है यहाँ पे, वन टाइम वन वे मतलब हो जाता है हाफ डुप्लेक्स, क्लियर है। आज के बाद से ये कंप्लेन नहीं आना चाहिए कि ये सब चीज़ नहीं पढ़ाएं, क्योंकि इसका सवाल मैंने कराया और उस वक्त मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था, ठीक है।
अब फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, सेम चीज है कि सेम टाइम डाटा एक्सचेंज पॉसिबल, मतलब यह है कि इधर से आप इधर डाटा भेजिए, इधर से आप इधर डाटा भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर से एगो हार्ट का सिंबल गया, उधर से एगो इमोजी आ गया है करके, मतलब है कॉलिंग भी कर सकते हैं। जब आप कॉलिंग करते हैं तो इधर से भी बात कोई बोलता है, उधर से भी कोई बात बोलता है, झगड़ा होता है बम्पर तो सुनाई देता है। व्हाट्सअप जो है, व्हाट्सअप में भी यही चीज होती है, इधर से 4 गो मैसेज किया, तब तक देख रहा 10 गो घुस गया, मतलब यहाँ पे कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया यूज हो रहा है, यहाँ पे फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मीडिया का इस्तेमाल जो है हम लोग नेटवर्क में कर रहे हैं। सो आई होप आप लोग को सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स जो है क्लियर हो गया है। और अगर कोई भी डाउट है 80%, 10% और 10% वाला में, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा, तो देखते हैं होमवर्क के सवाल। तो हम लोग कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा TCP/IP लेयर, तो उससे रिलेटेड ये 5 सवाल आप लोग के सामने हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, 5ों सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है। मैं आपसे कह दूं कि व्हाट लेयर इज इन TCP/IP स्टैक इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। अर्थ में समझा देता हूँ, चूंकि इंग्लिश में लिखा हूँ तो हिंदी में समझा देना मेरा धर्म है। क्या पूछ रहा है कि TCP/IP जो लेयर है आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें कौन सा ऐसा लेयर है जो ट्रांसपोर्ट लेयर के इक्विवेलेंट है, समावयी है, ठीक है। जो OSI लेयर में आप ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ते थे, TCP/IP लेयर में कौन सा ऐसा लेयर है जो उसके समावयी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज फॉर TCP/UDP, ठीक है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज्ड बोथ TCP/UDP। ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक का सवाल हो गया, बट वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये थोड़ा डिफरेंट सवाल हो गया है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है इसमें क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2 का कौन सा सही होगा, ठीक है, उस तरह से आप कीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है TCP/UDP, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूजेस बोथ TCP/UDP, दोनों प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। ऑप्शन दिया हुआ है FTP, SMTP, टेलीनेट और DNS, डोमेन नेम सिस्टम। तो कौन सा ऐसा है ये प्रोटोकॉल जो दोनों प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके बनता है, मतलब काम करता है, ठीक है। TCP/IP लेयर इज इक्विवेलेंट टू कॉम्बाइंड सेशन प्रेजेंटेशन एंड। तो आपसे पूछा जा रहा है TCP/IP लेयर में कौन सा ऐसा लेयर है जो OSI लेयर में, जो हम लोग पढ़ते थे सेशन प्रेजेंटेशन एंड, कौन सा ऐसा चीज है जो एक जगह पे काम करती है। तो ऑप्शन देखिए, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और फिजिकल लेयर, इसमें से कौन सा सही होगा। उसके बाद पूछ रहा, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ एड्रेसिंग इज प्रोवाइडेड इन TCP/IP प्रोटोकॉल। तो कितने लेयर्स होते हैं, कितने लेयर होते हैं, यही चीज पूछा जा रहा है कि कितने लेवल्स होते हैं। तो 1, 2, 3 एंड 4 TCP/IP में कितने लेयर्स होते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग बनाइएगा। ट्रांसमिशन मीडिया लाई बिलो द डैश लेयर। ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है कौन सा लेयर, लेयर के बिलो में रहता है, किस लेयर के नीचे रहता है। ऑप्शन है फिजिकल, नेटवर्क, ट्रांसमिशन और एप्लीकेशन। कौन सा लेयर के नीचे जो है ट्रांसमिशन मीडिया लाई करती है। तो ये 5 सवाल जो है होमवर्क रहा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, ये 5 सवाल का जवाब मुझे चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाते जाते वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।